अब मैं बहुत बिजी रहता हूँ बहनचोद, इसकी वजह से ये कहानियां इसकी माँ का जाता है। लेकिन संडे को नहीं बचेगा बेटा, तो संडे को तेरी तेरी मैयत में भी है ना मादर चोद, तेरी मैयत में भी हिजड़े लोग ही आएंगे। कहाँ है अनमोल? आजा भाई अनमोल, अब लाइव तूने वाइंड अप की के नहीं की? अनमोल आ गई। अनमोल पता नहीं अनमोल भी ऐड क्यों नहीं हो रही यार। एक तो बहनचोद मैं यहाँ पे इतना बिजी हूँ, इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी हेलो। अरे यार अनमोल नहीं आना है तो ना बोल दो यार भैंचो, ऐसे वेट मत कराओ किसी को, ठीक है? कहानियां तेरी, संडे को तू नहीं बचेगा, फ्राइडे सैटरडे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ये गिरा हुआ इंसान आया, एक मिनट, गिरा हुआ इंसान नहीं आया भाई, शायद आया गिरा हुआ इंसान। जय भोले की पनोड़ी भाई, जय भोले की। अरे बोले कि भाई कैसा है? मैं बढ़िया हूँ। ये क्या अनमोल अनमोल कर रहे हो यार? ये कौन मादरचोद है पनोड़ी भाई यार? इसके पीछे बहनचोद आप ही नहीं रहे? उसके का मैटर हुआ था बहनचोद, इसको गालियां देनी थी, इसके लिए उसको ऐड पे ऐड कर रहा हूँ। लेकिन जब बहनचोद बात आती है तो सबकी गांठ फट जाती है ना। बहन के लंड, आजा मादर चोद, तेरे को कभी भी के ऊपर लोगों ने देखा नहीं होगा, यहाँ पर आएगा तो 2500 लोग देखेंगे तुझको। मादर चोद आजा। बहनचोद ये ये गरीबों को फेम भी नहीं पसता है पनोड़ी भाई। ऐसा ही लगा भाई मुझे, पक्की तेरी बात सही है भाई, ऐसा ही लगा मुझे। अरे वो आपका नंबर वायरल हुआ था, मुझे पता चला, कल आप बता रहे थे शायद लाइव में। ना मुझे नंबर अब चेंज ही करना पड़ेगा, नो चॉइस। उसकी मैं एक स्कीम बताऊंगा आपको, वो करना, आप कोई दिक्कत नहीं है, वही नंबर रहेगा, कोई कुछ भी कॉल नहीं कर पाएगा, अच्छा सबका अच्छा जुगाड़ है। हाँ, भैया पिज्जा क्रम क्या पनोड़ी भाई रैंडम की गांड मारना बंद कर दी है क्या आपने? अरे नहीं नहीं यार बहनचोद, मैं वही लाइव चलाने वाला था, ये मादर अपनी फिर से माँ चुदवाने लगा, ये तब तक ये इनकी मामा माँ का वंश, नहीं आती मामा है। का वंशज है क्या चाचा? मामा का वंशज है क्या पनोड़ी भाई? अरे उस रंडीबाज का कहाँ से वंशज हो जाए, एचआईवी है भोसड़ी वाले को, वो हाँ समायरा तो को एचआई, दे दिया उसने। अरे माधव चौधरी सरकारी कॉन्डोम यूज कर लिया करा करो यार, एचआईवी से तो बचे रहोगे। बहन के लौड़े ने दो लोगों की तो जिंदगी खराब कर दी बहन चोद ने। अरे टेंशन है भाई ये है ना, वीकेंड में तो मैं थोड़ा बिजी होता हूँ यहाँ पे, तेरी माँ ऐसी पैदा ही क्यों किया? देख तू संडे को, बहुत बहुत गर्मी है ना तेरी गांड में, बार बार तू मुझे गाली देता है, बार बार तू मुझे छेड़ता है, बहुत मजा आता है ना तुझे मुझे छेड़ने में। दिखाता हूं बहन का लौड़ा, दो बार तो रोके गया तू, दो बार पाला। तो माँ के लौड़े हाथ जोड़ के गया तू मेरे सामने। वैसे पनोड़ी भाई पानी गंदा हो या साफ हो, आग बुझाने के काम आते ही है। ये गंदा पानी भी नहीं है, ये बहन का लौड़ा है ना, कीचड़ का वो कीड़ा है जो बहन चोद हमेशा कीचड़ के अंदर रह के आसपास में ये बदबू ही फैलाएगा, ये कीड़ा है बहन का लौड़ा। ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉम्प्रो करवाया, दूसरी बार कल बहन का लौड़े को बोला कि भाई तू निकल अब यहां से, तू तेरे रास्ते, तेरे तेरा नाम कोई नहीं लेगा। आज फिर से साले नल्ले फिर के लिए आ गया तू आज। मुझे समझ नहीं आता कि भाई तुम लोगों को पता है कि भाई मैं तुम्हारी फैमिली को घसीटता हूँ कॉन्ट्रोवर्सी में, तो तुम लोग मेरा नाम ही क्यों लेते हो?
हाँ भोसड़ी वाले पनोड़ी भाई का लाड़ तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, अपनी माँ बहनों की और माँ चुदवा लोगे बैठे बैठा है। इज्जत करो यार मादर चो, तो कुछ नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत करो यार, उनकी इज्जत का ध्यान रखो यार, हम लोग तो नंगड़ लोग हैं, मादर चो मारते हैं यार। ये पुनीत आया है, ये पुनीत को मैं ऐड करता हूँ, तू तू रहना कि नहीं नहीं तू हाँ बैठे हाँ रह। मैं रहूंगा। हाँ, हाँ भाई भाई कल सारी बातें पुलिस पर खत्म हो चुकी थी, ठीक है, आज ये बड़वा फिर से गालियां दे रहा है मुझे, लाइव पे लेते हैं इसे, आज इसकी ऐसी तैसी करते हैं। नहीं नहीं अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, अब उसकी फैमिली को मैं घसीटूंगा, तो अब मुझे कोई बुरा भी नहीं बोलेगा, या तो कोई बीच में नहीं आएगा, ठीक है वो तो। हाँ हाँ कोई नहीं फिर से मैं भाई, अब छोड़ मत तू, देख मैंने भी कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, मैंने भी बोल दिया एक दो बार, ठीक है इज्जत होती है, शर्म कर ली तूने भी हमारी, अब मैं नहीं बोलूंगा। अब अभी मेरे पास सुमित की, सुमित से भी बात हुई है मेरी, उसने भी बताया मुझे कि ये बोल रहा कि वो भांजा किसी का एहसान नहीं है, मैं जब दिल्ली आया था ये वो, मतलब बोल रहा उल्टा सीधा दारू पी के। फिर मेरे पास कॉल आई कि पनौड़ी मुझे गाली दे रहा, मैंने भाई मैं नहीं बोलूंगा बीच में, तू देख अपने अपने लेवल पे देख मामा, तू अब अपने आप संभाल, जब तेरी गांड में खड़ा बाल है, बार बार तू किसी आदमी को फोर्स कर रहा है कि आ बैल मुझे मार हैं? तो अब ये बैल, अब बैल का सींग गांड में लेने के लिए तैयार हो जा। अरे वो मुझे बोल रहा है कि तूने सांगू बहन को सपोर्ट किया, तुझे पता नहीं है, तुझे बाद में बोलेगा कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा या नहीं करूंगा। अरे मादर चोद बहन है मेरी, हम तो बहन बोलते हैं ना, तो बहन चोद सीने में से जान निकाल के रख देते हैं, तेरी तरह नहीं होते हम, समझे? रुक ऐड करता हूँ इसको मामा को, अरे इसकी मामा ऐड करूंगा। नहीं नहीं वो उसको दारू पी के बहुत नशा होता है ना, अब संडे को मैं दारू पीऊंगा, संडे तो परसों ही है, संडे को मैं दारू पीऊंगा। बहन का लौड़ा तू तो देतवर, क्या नाम है तेरा, बहन के लौड़े वो है ना तू, तो अब रोक के दिखा तू मुझे। एटीएम करो यार, मामा को कपिला पशु आहार खाना है मामा को। अरे इसको लाइव शेयर करूंगा तब पनौड़ी। अरे नहीं नहीं लाइव पे ही नहीं लेना है इसकी, तो मैं वो बोल रहा था ना कि बहनचोद मेरी बहन और मेरी मेरी बेटी के लिए मैं झुक गया वो के ही। ये वो सीन हो गया, आबेल मुझे मार ले, बार 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 मामा समझा दिया तेरे को मैंने, मामा आ एक बार लाइव पे, आ पनौड़ी लेना एक बार लाइव पे, मैसेज कर रहा मामा मेरे को। ले लो पनौड़ी भाई, मामा को ले लो, आज आज मामा की ले लेते हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप ले लो बस उसको, मामा को आज एक बार ले लो। आ गया मामा, मामा आ जा एक मिनट आ जा, तेरे मन में क्या बात है क्या नहीं है वो सुन लेते हैं। मुझे इससे कोई, सुनो भाई मैं कोई कॉम्प्रो नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है, इसका बहन के लोड़े का बहुत हुआ, इसकी हवाबाजी बहुत हो गई, क्योंकि संडे को पनौड़ी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो पब्लिक वहां भी मजा लेगी ना थोड़ा सा। ओ इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाँ तो बड़ा मैच है संडे को इंडिया पाकिस्तान को, तो पब्लिक वहां बिजी होगी। लाइक अ वनडे है क्या, ट्वेंटी ट्वेंटी है, T20 है शायद भाई। ओ वाह, डीके मामा कम किया है मैंने, उसको ऐड किया है, रुक जाओ उसको ऐड करके आओ, एक मिनट आओ बात।
साला 25 किलो का गुंडा पनोड़ी भाई मैंने मामा ही को देखा है, 25 किलो का गुंडा मैंने मामा को ही देखा है। ये भाग क्यों गए? भाग गया भोसड़ी वाला। अरे गिरा हुआ इंसान भाई तू मत बोल, पनोड़ी बोलेगा बीच में मत बोल भाई, मन कर रहा है तो बोल दूंगा भाई, क्या बुरा है मेरा। मैंने गिरा हुआ इंसान भाई, गिरा हुआ इंसान मेरी मेरा बंदा है भाई, ठीक है। अब ये भी बोलेगा नहीं, बोलेंगे तो सब फिर, पर एक बार आने तो दे उसको मामा को, आने दो उस बैंड के लौड़े को, आज उसकी मार। आज देखो पुनीत भाई, आप बड़े भाई हो, दिल से रिस्पेक्ट है। अरे छोटा हूँ मैं, छोटा भाई हो, कोई कॉम्प्रो नहीं होगा पुनीत भाई, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। हाँ भाई देख, मैंने जो कॉम्प्रोमाइज करवाना था करवा दिया, तूने मेरी इज्जत रख ली, मान लिया। बट अब जब मामा कोई चुल हो रही है तो मामा करे बात आके एक बार। आज पनोड़ी भाई मामा को दौड़ा दो रो बस आप पनोड़ी भाई। ऐड कितनी बार किया है, वो आ ही नहीं रहा है बहन का लौड़ा, कब से ऐड कर रहा हूँ मैं, अभी भी ऐड ही है वो। डीके मामा आ जाए एक मिनट के लिए। ये देखो यही इसका आईडी है ना। हाँ मैंने भेज तो दी लाइव, उसको शेयर कर दी। मामा आ जा, क्या पता अभी बात हो जाए, अभी दो चार गाली दे पनोड़ी और मामला सेट हो जाए, कल को दिक्कत ना हो। आ जाओ एक मिनट। डीके अंडरस्कोर ODEDARA यही इसका आईडी है, ठीक है। ये बंदा लाइव पे नहीं है, ये लाइव पे नहीं है भाई, नहीं है यार, सर्चिंग में नहीं आ रहा है, उसके दो फेक आईडी आ रहे हैं, ये बंदा सर्चिंग में नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं निकलता हूँ पनोड़ी लाइव से ना, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं जान दो यार, वैसे भी आज मैं बिजी हूँ, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, बात हो गई खत्म, ठीक है। अब तू तेरा देख के बहन के लौड़ी चल रहा था ना, तो अभी शाम को सूटिंग की लाइन पे सब लोग तुझे रोक रहे थे कि मन्ना बहुत खत्म हो गई, क्यों उछाल रही, क्यों उछाल रही, लेकिन तुझे तो बहुत मजा आता है ना बात उछालने में। और मैं तो गाली पाली वाली कॉन्ट्रोवर्सी करता ही नहीं हूँ, सबको पता है मेरी कॉन्ट्रोवर्सी कैसी होती है वो। मामा आजा, इस बार इंस्टाग्राम का कोई भी जान पहचान वाला मुझे नहीं रोकेगा, संडे को इसको ऐसी बात ही निकल जाएगी। अरे कहीं ये सुन पनोड़ी, ये गिरा हुआ इंसान है जो इसको ब्लॉक तो नहीं कर रखा उसने? अरे ये तो बंदा कभी कभी लाइव पे आता है, इसका क्या मतलब है मामा से, ये तो कभी कभी लाइव पे आता है। मेरी लाइव नहीं आ रही, देख मैसेज आ रहा है मेरे पास, लाइव नहीं आ रही है, शेयर वो नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ ना, या तो उसको इसने ब्लॉक करा या इसने उसको ब्लॉक कर रखा है भाई। मेरे मेरी आईडी में कोई भी बंदा ब्लॉक लिस्ट में नहीं रहता, लोग मुझको ब्लॉक करते हैं, तो वो मुझे ब्लॉक किया होगा। हाँ 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 हो सकता है। तो पनोड़ी भाई मैं निकलता हूँ, आप उसको ऐड कर लो, उसको हटा फिर बचाने कोई आएगा पनोड़ी भाई तो आपको रोकेगा, पनोड़ी भाई उसको बचाने कोई आएगा तो आपको रोकेगा उसके साथ। एक मिनट एक बार तू रुक जाएगी, एक बार फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर यू नो अगर क्योंकि वो ये सुन पनोड़ी, ये अकाउंट तूने दोबारा प्राइवेट तो नहीं कर दिया? अरे नहीं किया यार प्राइवेट, अभी भी वो नहीं आ रहा है बहन का लौड़ा। आएगा आएगा, एक बार जितने भी लोग हैं उसको शेयर करो डीके मामा को, ODEDARA अभी आया वो, आया ना अभी आया मामा, मैं बोल रहा था ना।
हाँ भाई मामा, क्यों फिर से तेरी कार्ड में क्यों फिर से? एक बात सुन, तू कब से जो बोल रहा है मेरी बात सुन। मैंने तेरा नाम कहाँ लिया ये बता। तू मेरे पे ही बोल रहा था ना, नाम कहाँ जाना? तेरे पे नहीं बोल रहा था, मेरे बाप दूसरी भी मैटर होती है तेरे साथ तो माफी नहीं मांगता। दूसरी मैटर मेरी पर्सनल है। कौन सी भाई पर्सनल मैटर हो गई मामा? चलो तुम्हारी बाप तो एक बात सुन, अगर दारू पी के ही बोलना होता तो तेरा नाम लेता। मैं मेरे पर्सनल की बात कर रहा था। सुमित को भी बोला, पुनीत को भी पूछ, मैंने फोन करके बोला कि भाई पर्सनल अलग चीज है, उसे बोल क्यों दिल पे ले रहा है। तूने इतना बोला तो मैं तेरा नाम लेके बोलता यार, तू इतना तो समझ यार। जो भी करना तो हम दोनों आमने सामने बोलते, मैं पीछे से नहीं बोलता यार। अच्छा। कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा यार। वहां पे तुम्हें समझा रहे थे कि मामा बाप, मेरे बाप पर अगर कुछ होता तो मैं नाम लेके बोलता कि पनोड़ी ने ये किया वो किया तेरे साथ, तो पुनीत के सामने माफी नहीं मांगता। पुनीत एक बात सुन, पुनीत मेरी सिर्फ एक बात सुन, अगर मेरे दिल में खोट होती तो तेरे सामने इतने लोगों के सामने माफी क्यों मांगता? खोट तो है, खोट नहीं। अगर दूसरों की बात है, अपनों की बात है, अपने जो दूसरे थे जिसने मेरी गांड मारी, मैं अपनों की बात कर रहा था। तो मामा तू किसकी बात कर रहा था? मेरी अभी बात हुई थी किसी से कि भाई ये भांजे एहसान दिखाते हैं, मैंने किसी का वो नहीं खाया, किसी के उसपे नहीं रुका अभी तो। अरे पर वो तो दूसरी बात थी, मेरे बाप समायरा ने जो बोला था, समायरा की बात थी, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, समायरा की बात थी, समायरा ने जो लाइफ पे जो चीज बोली थी मैंने उसके लिए बोल रहा था, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। चलो नाम लेके बोल रहा हूँ, बोल के नाम लिया करना ऐसे पीट पीट यहाँ पर बोल दिया ना। चल तेरे सामने नाम लेके बोल रहा हूँ, समायरा ने जो बोला था उसके वजह से बोल रहा था। अब वो पर्सनल चीज है यार, वो पर्सनल चीज है यार, इसके ऊपर नहीं थी। अब पनोड़ी को भी तूने इनडायरेक्टली कुछ बोला था अभी जब ये गाली दे रहा था अभी। अरे पर इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा था, मेरे बाप तो माफी नहीं मांगता। मैं कल या परसों दो दिन से माफी मांग रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो दो दिन से पी रहा हूँ मैं, सामने से बोल देता। नहीं जो बात अभी मेरी किसी भाई से बात हुई थी सुमित से कि अभी तुम उनका वो है उसने ऐसा कर दिया, अभी मैं 5 दिन दिल्ली आया तो मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब एहसान दिया। अरे पर इसके अलावा दूसरों लोगों ने भी मेरे वालों ने जो डाला है ना, मेरे वालों को फोन किए, वो बात चल रही थी, मेरी पर्सनल बात चल रही थी। नहीं पर्सनल बात चल रही थी तो खुल के नाम लेना मामा। अब तू अरे पर मैं पर्सनल अरे पर्सनल लोग अरे इसीलिए तो मैं कब से इसे बोल रहा था एड कर, तू समझ नहीं रहा। तू इसे तो कब से मैं बोल रहा था कि ऐड कर, तेरी बात ही नहीं थी। नहीं मेरी है, बात मेरी नहीं है, बात सबकी है। जो तू आके लाइव आके बोल रहा था अभी वहां पे कि भाई भांजे वो ऐसे करते हैं, एहसान दिखाते हैं, डीके किसी का पैसा नहीं खाता। पर वो यहाँ की बात थी, यहाँ वाले गुजरात से जो चीज हुई थी मैं वो चीज बोल रहा था, इसीलिए तो बोला कि अगर इसका होता तो मैं नाम लेके बोलता तो दो दिन से क्यों खत्म करता हूँ। तेरे को तूने पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है, तेरे को नहीं है, होश नहीं है तेरे को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। फिर बाद में जब तुझे गाली देता है कोई भी, फिर तू बोलता रे भांजो मैंने नहीं बोला ऐसा, ऐसे गलत बात है ये। अरे पर तो तेरी कसम भांजे तो थोड़ी ना ऐसे बात करता, नाम लेके बोलता मैं इसका। तो ये और कौन से नकली भांजे ये अपने थे, अपने थे, उसे मेरे वाले थे, उसे सुना रहा था, मेरे वाले थे उसे सुना रहा था। समायरा भांजा थोड़ी है। अरे पर समायरा की बात कपड़ों वाली अलग थी, समायरा की बात अलग थी। समायरा भांजे कौन है? वो नकली भांजे कौन है? वो गुजरात से, दिल्ली में नकली, गुजरात में दिल्ली में तो हम सब एक एक बार मिले, हम सब की कहां ऐसी कोई है कि कुछ बोलूंगा। नहीं बोला है तुमने, जब ही लाइव में बोला है ना तुमने अभी। मैं गुजरात से समीर रुसब, दिल्ली गुड़गांव में नकली भांजे हैं। देख सुमित नारंग भाई बता रहा है नीचे। नहीं, नाम ले, रिकॉर्डिंग मुझे दिखा दे। अगर मैंने ये बोला कि गुड़गांव में और दिल्ली में नकली भांजे ये बोला तो ये दिखा दे। तो बोला तो है, कुछ तो बोला है, पर मैं नाम लेके तो बोला, गुजरात का नाम लेके, तीनों लड़के का नाम लेके बोला। इन तीन लड़कों ने दिल्ली में अलग जगह पे मेरी दूसरी भड़वाई की है। नहीं दिल्ली में नकली भांजे ये तो बोला। अरे नहीं बोला, दिल्ली गुड़गांव में नकली भांजे ये नहीं बोला है, मुझे दिखा दो एक भी। एक मिनट सुमित भाई, ओ एक मिनट लेता हूँ वो क्या हाँ उसे ले लो
मैंने ये बोला, मैंने ये बोला कि इस बार मैं दिल्ली आया था, किसी को फोन नहीं किया था, अकेला घूमा था, मैंने किसी को फोन नहीं किया था, ये बोला। पनौड़ी सुमित नारंग एक एक दूसरी आईडी उसकी, सुमित को ले, वो मेरी आईडी से ब्लॉक है ना, तो वो और मैं एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। सुमित नारंग एक वन, सुमित नारंग वन लियो एक बार, सुमित नारंग वन ब्लैक टोपी में दूसरा आईडी होगा, दूसरी आईडी है इससे ले सुमित भाई को, क्योंकि मुझे शो नहीं हो रहा है। आ गया सुमित SUMIT एंड ए, नहीं सुमित, सुमित SUMIT NARANG नारंग वन एंड ए एंड ए आर ए जी ए एन जी वन नारंग। हाँ ठीक है, पूछ लो। हाँ जी भाई, मामा आ गया अब भाई, अब बताओ, आप बताओ भाई, आप मामा क्या बोल रहे थे, सूत्र की लाइव पे ये कह रहे थे पनौड़ी भाई भी नीचे जम थे, पनौड़ी भाई खुद भी, पर हम दोनों तो लाइव में आमने सामने बैठे थे ना, हम दोनों तो आमने सामने बैठे थे, दोनों सामने बैठे थे, इन्होंने बोला इस बार में, और मैंने ये बोला कि मैं 5 दिन से दिल्ली था, इस बार मैं अकेला घूमा, इस बार किसी को नहीं बुलाया, तो इन्होंने मेरे से ये सवाल करे कि सुमित भाई आज तक कभी मामा ने दारू पी है तो अपने पैसों की पी है, क्लबिंग किया था, मैंने कहा क्या हो गया मामा किसने, तो इन्होंने अरे मामा, पर वो मेरे वालों को बोल रहा था, जो लोग बोल रहे थे ना कि दूसरों की पी रहा है उसको बोल रहा था। इस बार मैं दिल्ली गुड़गांव आया तो मैं किसी भांजे बनी में मिला, क्योंकि मेरे को पीछे से बोलते है कि मामा से दारू पी, मामा ने क्लबिंग करी, मतलब कुछ भी जो भी किसी ने हर्ट किया होगा मामा को, मैं कहा मामा नाम तो लो खुल के, क्या बात है सबका नाम क्यों ले रहे हो दिल्ली, पर तो वही नाम लेके मैंने बोला, तीनों का नाम लिया, पूछ ले मैंने तीनों का नाम भी लिया, गुजरात की बात की, किसी से नहीं मिला, मैंने ये बोला था गुड़गांव और दिल्ली वालों का, ये बोला था कि दिल्ली और गुड़गांव वाले मुझे ये बोलते, मैंने ये बोला था, सच बताना मेरी कसम है, सच बताना मैंने ये बोला था, आपने आपने ये बोला ना दिल्ली गुड़गांव आया मैं इस बार किसी से नहीं मिला, क्योंकि मामा को, पर वही चीज कि मैं अकेला आया, अकेला घूमा निकल गया, पर मैंने ये नहीं बोला कि उन लोगों के बारे में नहीं बोला है, नहीं तो मैं यही तो बोल रहा था कौन सा नकली भांजा है कि भाई आप कह रहे थे दिल्ली गुड़गांव में, पर मैंने नाम लेके पूछ पुनीत को पूछ, वही तो नाम भी तीनों के ले लिया गुजरात वाले, जो तीन लोगों ने मुझे सुनाया था वही बात कि मामा को किसी ने दारू पिलाई, किसी ने खरीद लिया फलाना, तो भाई मैं यही बोल रहा था कि घुमा फिरा के कभी हमारे ऊपर तो नहीं आ रही बात भाई, ये थी मैं इसलिए कर रहा था खुल के नाम लो, अरे तुम्हारी और मेरी पुनीत की हम सबकी कभी अभी इतने टाइम में कुछ हुई नहीं है, ये 2-5-10 दिन से चल रही है, बाकी हम सबके ग्रुप में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। देखो आपने बोला शान, शान के लिए शान ने बोला, इन्होंने वीडियो दिखा दी, मैंने फिर भी जो भी है, जो भी है मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, जो भी है सारी मैटर शान करवा रहा है हम सब की, अरे मैं पनौड़ी को भी बोल रहा हूँ, पनौड़ी 2 साल से जो रिश्ता है ना मामा, देखो सब कुछ मिला के कुछ ना कुछ याद करना, सारी की सारी चीजें गलत साबित होगी कल। चलो मामा आप कह रहे हो गुड़गांव दिल्ली वालों के लिए नहीं लिया, तो फिर आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि इस बार मामा अपने दम पे घूमा दिल्ली गुड़गांव आया, तो ये वो तो हमें भी तो बात, पर तो मेरे वाले भी देख रहे थे ना, मैं लाइव में था, मेरे वाले भी देख रहे थे ना, अरे मामा कैसी बात करती बताओ, है ना, अब यार मैं मेरे वालों को सुना रहा था, मैं आपकी बात ही नहीं थी किसी की यार, तो हमें बुरा लगी ये वाली बात कि आप कह रहे हो कि दिल्ली गुड़गांव वालों से नहीं मिला, फिर देखे अपने हाथ से पैसा खर्चना जानता है अपने दम पे, पर तो मैं मेरे वालों को बुला रहा, मेरे वाले को बोल रहा था, जो बोल रहे थे कि तू वहाँ जाता है क्या का तो कर रहा वो कर रहा है, तो मैं मेरे वालों को बोल रहा है, अब आपके सामने मैं गुड़गांव से हूँ और वो भाई दिल्ली से है, तो हमें सोचा भाई हमें ही सुना रहा मामा की कभी दिल्ली गुड़गांव से नहीं मिला, कि कहते दारू फ्री पिलाते हैं क्लब कराते हैं मामा अपने, अरे पर वो दारू बारू की बात ही नहीं थी, वहाँ रुका उस टाइम को हो गया 1 साल होने आया पुनीत, 1 साल में कभी ये बात नहीं निकली है, सच बता पुनीत 1 साल हो चुका हम सब मिले उसे, मामा अब तो निकाल दी तूने, अब 5 दिन पहले हमें क्या पता आप होके गए हो, अरे मैं नहीं निकल रहा हूँ, अब ये सब बातें निकल रही है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं निकल रहा हूँ, पनौड़ी भाई तुम लाइव पे सुन रहे थे डीके मामा ने क्या बोला कि भाई इस बार मैं दिल्ली गुड़गांव में किसी से नहीं मिला, कि कहते हैं शराब पिलाते हैं, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि इस बार मैं आया 5 दिन अकेला घुमा, किसी को फोन नहीं किया, अपने अकेले से मजे किए और मैं निकल गया, मैं ये बोला हो रही है बेइज्जती हो रही है, फिर ये बताऊंगा नाम लो ना खुल के, पर तो मैंने आप लोगों के बारे में थोड़ी ना थी, आप लोगों के बारे में थोड़ी ना बात थी किसी की,
और मामा तूने ये बोला कि मैंने कभी फ्री की दारू नहीं पी दिल्ली में आके, किसी ने मेरे को दारू, मेरे से दारू की बात नहीं, फ्री की मतलब मैंने ये बोला कि मैं गेस्ट था, मैं गेस्ट था, मामा ने कभी फ्री की दारू नहीं पी, मतलब मैंने ये बोला कि मैं गेस्ट था, मैंने ये बोला कि मैं वहाँ पे गेस्ट था। हमने इज्जत दी जो रियल मामा को देते हैं ना, वैसी इज्जत, तेरे को कहीं इज्जत भी नहीं मिली। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही चीज उन्नीत, मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि गेस्ट था आप लोगों ने, मामा के तरीके से आपने पिलाई, आपने होटल बुक की, आपने पब में घुमाया, वो सब गेस्ट था मैं आपका। देखो दोबारा वो चीज मैं बोलना चाहता था, लोग अलग तरीके से मुझे बोल रहे थे मैसेज में, मैं उसे बोल रहा था ये बात समझने की कोशिश कर, मैं सामने से बोल रहा हूँ ना, गेस्ट था। मामा मुझे लगे ना, मामा मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा आज की मैंने दिमाग चल चुका है। अरे पर मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने जो पिलाई में तेरा गेस्ट था, तूने मामा के तरीके से मुझे पब में घुमाया, होटल रखी, मैं दूसरी बात कर रहा था। भड़का किसने दिया मामा को इतनी, मतलब मेरे को बहुत बुरी बात लगी इनकी यार, कह रहे 5 दिन में। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ पुनीत, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा गेस्ट था, मामा था, तुम लोगों ने होटल बुक की, पब में घुमाया या दारू पिलाई, वो तुम्हारा गेस्ट था। मुफ्त की दारू अलग चीज होती है और गेस्ट अलग होता है। नहीं गेस्ट अलग होता है, गेस्ट अलग, जब तुम आए हो गेस्ट बन के तो हमने दारू, ये क्यों बोल रहे हो फिर कि दिल्ली में मेरे को किसी ने हरा। पर वही तो चीज बोल रहा हूँ, मुझे जो कमेंट, मुझे जो मेरे वाले मैसेज कर रहे थे, तू मुफ्त की वहाँ दारू पी के आया, उससे बोल रहा था मेरे बाप, वही तो तू समझने की कोशिश कर कि मैं ये बोल रहा हूँ कि गेस्ट और मुफ्त की दारू अलग होती है। मैं अगर पनोड़ी के वहाँ अमेरिका जाऊंगा, पनोड़ी अगर मुझे दारू पिलाएगा और बोलेगा मैंने मुफ्त की पिलाई, वो चीज अलग होती है कि मैं मामा के तरीके से गया, मामा भांजे ने दारू पी साथ में, और मुफ्त की दारू अलग चीज होती है, वर्ल्ड में अलग होता है। अब पनोड़ी तू बात कर ले एक बार, देखो पनोड़ी से तेरा मैटर खत्म हो गया था तो फिर क्यों पनोड़ी का नाम लिया था। अरे पर मैंने उसका नहीं बोला, मेरे बाप मैंने उसका नहीं बोला, 10 बार नहीं 50 बार बोला, पनोड़ी की बात नहीं थी क्लब में। मैंने ये बोला कि तू जिसका साथ दे रहा है ना, कल को तुझे पता चलेगा कि तू गलत इंसान का साथ दे रहा है। अरे शान की बात थी, शान को 3 बार वो छोड़ चुकी है, मैं उसकी बात तेरी समा, मैंने माफी मांग के तेरे से खत्म किया, तेरी बात ही नहीं चल रही है मेरे पास। अच्छा। जिसका सपोर्ट दे रहा पहली बार उसे छोड़ दिया, मेरे पास आई वापस छोड़ दिया, वापस उसके पास गई, वापस छोड़ा, वापस गई, मैं वो चीज बोलना चाहता था, तेरी नहीं थी मेरे बाप, तू समझने की कोशिश कर, क्यों अपने ऊपर ले रहे हो यार, मैं अलग पॉइंट में बोलना चाहता हूँ और आप सब अपने पे ले रहे हो। तुम नाम देके बोला यार, अरे पर मेरा कुछ, तुम्हें तो समझना चाहिए कि मामा ने मुझसे पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी, मेरा नहीं बोलेगा, तुझे तो इतना जोर से बोलना चाहिए कि मेरा मामा मेरा नहीं बोलेगा। मामा पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि मेरे से माफी नहीं है। अबर तो तुझे तो सोचना चाहिए कि इतने लोगों के सामने माफी मांग के जो बंदा बैठा है, 2 दिन बाद जो बात कर रहा है, तो मैं कुछ और बोलना चाहता था, तुम सबने अपने ऊपर ले लिया। मेरा टोन, मेरा बात, सब कुछ अलग था। तेरी कसम झूठ ना बोलूंगा भांजे, अगर होता तो मैं नाम लेके, अगर दारू पी गया होता तो तेरा नाम लेके बोलता, मैं दूसरी बात कर रहा था, तेरी कसम मैं दूसरी बात कर रहा था, सबको दूसरा सुना रहा था। जो मेरे पे बीती है तुझे भी पता, प्यार तो किया था तुझे भी पता है, भले ही जो भी है, मैं अपनी बात कर रहा था, तेरी कसम, मैंने फोटो भी डिलीट कर दिया, वीडियो डिलीट कर दिया, सब कुछ निकाल दिया, पर जो जलन है वो निकाल रहा था भाई। मामा मेरे को तो तेरी एक बात नकली लगती है, जब तेरा मतलब होता है तू फॉलो कर लेता है, और जब तेरा मतलब नहीं होता तू तो अनफॉलो कर देता है, वैसे तू 0 फॉलो रखता है। अब तू कभी, अब तेरे जो खास खास, अभी भी 0 है, देख ले अभी भी 0 है। 0 नहीं है, अभी 15 लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले देख ले, दूसरे फोन से देख ले, ये फोन ये आया है देख ले, तूने कर दिया होगा ना, तो ये हरकतें क्यों करता है नकली, जब तेरा हम इतना बढ़िया स्वागत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। अरे पर वो बात नहीं थी, मतलब क्या हवाबाजी करता है। अरे अपने जितने हैं, अपने जितने बोल रहे थे, मैं तेरा भांजा नहीं, ये है वो है वो है, मेरे लिए तो तुम सब अपने थे भाई। पुनीत भाई तुम आगे से मामा से रखना भाई, मेरी आज से भाई कट है मामा से, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई मेरी भी है, मैं तो
क्योंकि ये मेरे से सवाल जवाब करते, पनोड़ी को पनोड़ी की माँ की कसम है, पनोड़ी को पनोड़ी की माँ की कसम है। पनोड़ी भाई ये नहीं कह रहे थे कि एक बार मैं दिल्ली गुड़गांव किसी भांजे से नहीं मिला, कहते हैं शराब फ्री में पिलाई या ये पिलाई, कसम खाना बोला था मामा तुमने, पर बोला था मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे वाले यहाँ से जो बोले थे कि तू मुफ्त की पी के आया उसे सुना रहा था। तो मामा यार एक बात बता, तुम तो मुझे जवाब दे रहे थे कि, मैंने कहा भाई किसको बोल रहा मामा, खुल के बोल, रमन को बुलाओ, रमन के मुँह पे तो वही तो बोल रहा था, वही तो बोल रहा था, मेरे यहाँ की बात कर रहा था। जिसके फार्म पे गए थे ना प्रधान से पूछना कौन हूँ मैं, प्रधान इतनी इज्जत करता कि जो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट है उससे पूछना हमारी क्या वैल्यू क्या नहीं है। भाई हम इज्जत करते हैं बड़े हो, मामा मामा पूरी जिंदगी कहते कहते थक गए, क्यों हमारे से बड़े। एक ही चीज में बताना चाहता हूँ भाई, आज आपने दिल्ली देखो, आपने कहा तुम तीनों देखो जो भी मुझे बोलना चाहते हो जो भी बोलो, एक टाइम पे हम सब मामा भांजे थे, रिश्ता रखो या ना रखो, बाकी मेरी किसी से कोई गलती नहीं थी, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। आपने इंडायरेक्टली आज खुल के ही बोल दिया कि इस बार मैं दिल्ली गुड़गांव आया हूँ, किसी भांजे को फोन नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बोला है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला था। पनोड़ी झूठ बोल रहा है, नीचे बना हुआ था पनोड़ी उस लाइफ पर, मैंने बैठा था अरे पर मेरी जान जो थी मैंने सारी बातें क्लियर कर ली, जो भी था सारी बातें क्लियर की आपको। रमन से पूछ लेना भाई, रमन से भाई इन्होंने ये बोला कि इस बार दिल्ली गुड़गांव किसी भांजे से नहीं मिला, नहीं कहते मामा को दारू, पर वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बोल रहे थे, यहाँ पे जो बोल रहे थे, तो मैं आया अपने काम से आया था, इस बार अपने काम से आया था, मैंने अपना काम खत्म किया और घूम के आ गया था। इन्होंने फिर ये भी बोला कि मामा ने जो लिया है वो चोड़े में, कहता है कि शूटर से एक शर्ट ली थी, मगर और कोई कहे भाई दारू पिलाई है मामा खुद भी, मतलब मेरे को आज बहुत बुरी बात लगी। पर दारू पिलाई है मतलब मैंने ये बोला कि मुफ्त की पिलाई, ये वर्ड अलग है, और मैं वहाँ मामा के तरीके से आया था, आपका गेट था, आप लोगों ने जो रिश्ता निभाया वो अलग चीज है, उन्हें सच बता, दोनों वर्ड में फर्क होता है। मामा अब तो मुझे तेरे दिमाग में फर्क लग रहा है। अरे पर तू इतनी तो बात बता, मुफ्त की दारू और मैं जहाँ भाईचारे से आया था वो दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है, पर क्यों बोला तूने दारू मुफ्त की नहीं? पर मैंने उसी चीज को लेके उन लोगों को बोला था। तो पनोड़ी भाई तो लाइव पे सुन रहे थे, उनको क्या मजा आया? पर मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने इसीलिए इसका कुछ नहीं बोला, बाकी तो नाम लेके बोलता कि ये कर रहा है, मैं आपके सामने तो बोलता ना कि पनोड़ी को समझाओ भाई, पर इसकी बात ही नहीं थी, इसकी बात ही नहीं थी, बाकी पुनीत को क्यों फोन करता कि ये कुछ अलग समझ रहे, मैं कुछ और बोल रहा, मैं इसको क्यों फोन करता? मैंने पूछो, मैंने खुद फोन किया, पूछ लो। अब ये पनोड़ी तेरे को गाली देगा, कौन बचाएगा गाली से? पर मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, हम अपने थे, अपने ही रहेंगे, ठीक है? 15-20 दिन सब लोग हम दो सब के बीच में दुश्मनी खड़ी कर देगा, बाकी 20 दिन के बाद चलो, मैं 20 दिन किसी का कुछ नहीं बोलूंगा, 20-25 दिन एक महीना मुझे गाली दे दो, आप लोगों को अच्छा लगेगा ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा ना, सब दे दो गालियां। अरे गाली से क्या हो रहा है, हम कोई शौक थोड़ी ना हमें गाली देने का, मगर जब पर तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं तो किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो किसी को बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। रेंडमली ऐड करते ही पुनीत भाई इन्होंने ये बोला कि भांजे एक बात बताओ कि मामा कहीं भी आता है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, मैं तो सबको बोल रहा हूँ भाई जितनी भी गाली देनी है बोल दो, एक महीना दोगे दो महीना दोगे, परिवार से ही नहीं है, हम गाली गलौज करें, हम ऐसे परिवार से ही गाली गलौज, मेरे मुंह से सुना कभी तूने गाली? अपर तो वही तो बोल रहा हूँ पुनीत, तू मुझे बोल रहा है, पर जो भी था मैंने सच बता दिया, सारी चीजें तुझे क्लियर कर दी। मगर मामा एक बात बताओ, आप भांजा कहते हो, आपने कहा मैंने शान को कहा, इसने यूट्यूब पे पनोड़ी ने दिखाई है, तो आपने कहा हाँ तू दे दे गाली, पर पनोड़ी को भी पता है, पनोड़ी को भी पता है वो कितनी ले रहा है और सबको क्यों करवा रहा है, पनोड़ी को भी अगर पता होगा सबको क्यों मिलवाया, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, पनोड़ी को सारी चीजें पता है। और देखो सूफी में तुम सही हो, कई बार ड्रिंक कर लेते हो ना, तुम समझते हो सामने वाले की बात, ये पर समझते नहीं हो तो नाम लेके मैंने कहा किसी को बोला, मैंने गांव या शहर का किसको बोला ये बताओ। नाम लेके तो मैंने भी नहीं कहा, मगर मैंने पुलिस भाई को कहा था कि मामा 4-5 दिन पहले यहाँ गए, कह रहे इस बार किसी भांजे ने नकली है, ये नहीं बोला था मैंने ये बोला था, अब यहाँ पे बता देगा रमन, बता देगा आप पूछ लो, आपको नहीं पता चला, मगर आप मैंने ये भी बोला है कि मामा आप नाम लो, खुल के लो, ये बोला नहीं बोला मैंने आपसे कि, मैंने कहा मामा खुल के लो, आप मेरे को कह रहे हो क्या, किसको कह रहे हो, अभी बताओ, खुल के नाम लेते, जब आपको मैं कह रहा था जब मलाई पे भी, वो भी कह रहा था रमन भी, टूटर भी कह रहा, खुल के नाम, अगर देखो भरोसा हो, तुमने कहा भरोसा हो
कि मामा ने आप में से किसी को नहीं बोला क्योंकि मामा तो बोलो इज्जत 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 करते हैं, दिल से करते हैं, मामा दिल से ही बोला तो मैं नहीं करता हूँ। ये बताओ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करो, मैं कभी अपने बीच में पड़ा हूँ, किसी के बीच में पड़ा हूँ, ये बताओ मुझे, मैंने किसी के बारे में बोला भी? भांजे तो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, मगर ये तूने लाइफ को भांजो गाली बक दो तो मैं देख लूंगा तुम्हें दिए। गाली नहीं बकी थी। नहीं इस पे वीडियो है, इस पे दिखा रहा है पनोड़ी। अरे वो बात पहले की है, पूछ ले उसके बाद। तो पुनीत और हमने परसों रात को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था उस बात का। तो अरे तो मामा अभी तू लाइव था आज शूटर की लाइव में, फिर घुमा फिरा के तू हमारे लिए क्यों बोल रहा था भाई? अरे मैं नहीं बोल रहा था, मेरे बाप बोल तो रहा हूँ। ये परसों, ये 10 दिन पहले की बात कर रहा है, जो वीडियो है वो 10 दिन पहले जब इसने बोला था तब उस बंदे ने बोला, ये 10 दिन पहले का वीडियो है। गोवा जाओगे लाइफ पे आगे बोलोगे भाई इस बार मैंने बॉम्बे गोवा वाले को फोन ही नहीं करा भाई, हम अपने दम पे मौज ले। अरे पर 10 दिन पहले का, उसके बाद तो हम सब का खत्म हो चुका था, परसों हम सब मिलके बैठ चुके थे, उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो चुका था, पूछ ले, और कल भी खत्म हो चुका था और आज भी मैंने जो बोला वो जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि तू दिल्ली का जो वीडियो डालता है मुफ्त की दारू पीता है, तो मैंने बोला मुफ्त की नहीं पीता हूँ, मैं वहाँ पे गेस्ट था तो मेरा सम्मान किया था, गेस्ट था वहाँ पे, ऐसे बैठा था। मामा तेरा सम्मान करा था हमने इज्जत पे, और तूने तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा था, मैं तुझे वही तो समझा रहा हूँ, तू अलग अलग लाइफ पे जा रहा है। मामा तूने आज तक कितने बंदों को बुलाया अपने पास? क्या कितने बंदों को बुलाया तू आज तक अपने पास गुजरात में, ये बता। अरे भाई जिसको आना है, जो दोस्त मानता है, मामा मानता है, सबको मैं तो मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम है मामा, अपना अपनी बैक 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 मार जाता अपनी बातों से ना, सामने वाला झूठा बन जाएगा। नहीं तो आज तो जो भी है, चलो जो भी है एक बात सुनो, सारी चीजें खत्म, आज के बाद दिल्ली पनोड़ी या पुरानी किसी बात का जिक्र नहीं होगा किसी भी लाइव। फिर कोई तीसरी बात छेड़ दे, जो भी था पुनीत, जो भी था मैंने क्लियर किया, तेरी कसम मैंने जो भी था ना क्लियर बोला, आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, मैंने आपके साथ क्लियर किया कि मैंने किसको बोल रहा था, नाम लेके भी बोला आपके सामने। फिर भी अगर आपको लगता है, इस बात को लेके नहीं बोलूंगा, जो भी होगा मैं मेरे गुजरात वालों का या जिसका होगा मैं नाम लेके बोलूंगा। तेरी कसम मैं गलत नहीं था, तुझे जो भी लगता है पुनीत। मामा क्या बोलूं तेरे से, तू इतने टाइम से मुझे जानता है, इतना तो भरोसा है कि मामा ने आज तक कभी तू तलब से आबांजे राम राम हाँ भाई बोल क्या है इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। आज ना मतलब पुनीत भाई अलग ही टोन थी मामा की, तो कह रहे मैंने गुड़गांव में गोल्डन ट्यूलिप में रुका या फलाने होटल में रुका, पर वही बोल रहा हूँ मतलब वही बोल रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ से मेरे को कुछ अलग मैसेज हो गए, मैं उसका बोल रहा था। हम ही सब ने करा है हरकत, मतलब ऐसे अपने ऊपर फील आई ग्रुप के ऊपर ये बात। अब मैं जाऊं पुनीत बने हुए थे, उन्हें खत्म कर मैं जाऊं। अरे खत्म तो है ही, मैं तो वैसे बात नॉर्मल बात हो रही है, खत्म तो हो ही गई। नहीं तो मामा जाऊं मैं करा मैंने तुम्हारे लास्ट बर्थडे मामा, थोड़ा ध्यान रखना आगे से ना, वो चीजें बोलो जो। ठीक है तूने बोल दिया ना, तुझे तो भरोसा है ना, तूने बोल दिया बात खत्म। पनोड़ी बोल। हाँ वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे लिए नहीं बोला था, वो सारी चीजें शान के लिए थी भाई। कुछ मेरे भी होते हैं पनोड़ी, मेरे भी होते यार कुछ, मैं किसी और को भी बोलता हूँ, तू कैसे अपने बोलता है, तो मेरे भी कुछ अलग थे। अब जो भी होगा मैं नाम लेके बोलूंगा पनोड़ी, तुझे कोई बोले ना कि मामा ने बोला, मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजना। नाम लेके बोलना, पर अब जो भी हो मैं बोल रहा हूँ ना, सामने से बोल रहा हूँ, अब जो भी हो नाम लेके अगर मैं बोलूँ या कुछ भी आपको लगे कि मैं आपको टोंट मार रहा हूँ तो भी मुझे भाई पता क्या है, देखो मामा पनोड़ी कहीं ना कहीं अगर टोंट लगे कि भाई ये टोंट मेरे लिए तो भी मुझे भेजना। एक बात तो है कि जब पहली बार दिल्ली में जो आपकी एंट्री हुई थी उसमें विनीत पुनीत वो सब लोगों ने आपको वहां पे इनवाइट किया था,
हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, इन्हीं लोगों ने मुझे होटल पे रुकवाया था, इसके साथ ही पब में गया था, सारी एक से एक दारू आपके लिए मंगवाई गई थी, ठीक है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है जब मॉर्निंग में आपके पास होटल में कोई था नहीं तो आपको ब्रेकफास्ट करना था, तो भाई ब्रेकफास्ट किसके से आपने फोन किया था भाई? किया था पुनीत भाई, आवाज कट हो रही है, पूछ पुनीत भाई को समझ में नहीं आ रहा क्या पनौड़ी, आवाज कट गई थी भाई, बोलो क्या। मैं ये कि जब आप दिल्ली पहली बार गए थे लास्ट ईयर, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एक से एक दारू पिलाई गई थी, आपको अच्छी होटल में रखा गया था, वहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे जब ब्रेकफास्ट की बात आई थी तो पुनीत नहीं था वहाँ पे, विनीत नहीं था, शायद आपके पास पता नहीं कौन था वो, तो आपने ब्रेकफास्ट के लिए भी फोन किया था कि भाई मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ करवा, ठीक है ना। तो अभी आपने आज जो स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं दिल्ली में किसी को मिला ही नहीं, मैंने किसी का दारू पिया ही नहीं, तो ये तो गलत बात है ना, तो सबको मिलना चाहिए। हाँ तो इसी बार की बता रहा था मैं पुनीत भाई को कि अभी आप भाई पनौड़ी इस बार पता है, अभी पांच दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पांच दिन पहले की बात कर रहा था ना, हम पांच दिन पहले ही बता रहा था ना, ये कभी आएगा ना, हम इससे मिलेंगे ना कोई, हम खातिरदारी करेंगे, मैं पांच दिन पहले की ही कह रहा हूँ, आप देखो कमेंट वाली बात कहाँ गई और वो बात कहाँ गई। अरे पांच दिन पहले की बात कर रहा था, मैं भी पांच दिन पहले की कह रहा हूँ, इस बार पांच दिन पहले ही होगा ना, इस बार क्या होता है, इस बार पांच दिन पहले, इस बार कहाँ मिला था मैं पूछ लो पुनीत को, इस बार कहा मिला हूँ यार। अरे मामा तू क्या मिलेगा, हम ही ना मिलेंगे तेरे को। मैंने जब तुम्हें अर्ज बता दी पुनीत भाई, देखो लास्ट बर्थडे पे आया था, जब से मैंने कभी आज तक डीएम नहीं करा, नहीं तो मेरे पास हजारों बार आ जाता है तू। ठीक है भाई, बात हो गई, क्लियर हो गई, ये बात हम पर्सनल में कर सकते हैं, ये बात हम पर्सनल कॉल पे कर सकते हैं भाई। पुनीत भाई सारी बातें लाइव पे हो गई, शूटर की लाइव पे हमने तो नहीं कहा था कि मामा मेरे से ये क्वेश्चन करो, मामा हमने पहले तो तेरा फैसला ही करवाया, तब तक हमने तो कल खत्म करवा दिया था सारा मैटर, फिर तू बीच में लेके आ गया मैटर अब। अरे पर ये मैटर आज हुआ ही नहीं है, मैं तो यहाँ की बात कर रहा था मेरे बाप। अरे यार छोड़ो यार भाई, देखो मैं तो भाई देखो खरी बात करता हूँ, झूठ हमारे खून में ही नहीं है, जो बात थी मैंने पूरी, वो बात तो मैं सामने से बोला ना कि वहाँ या आपके वहाँ रुका, दोनों होटल में गया, पब में गया, क्लब में गया, दारू पिया, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ की अभी की बात कर रहा था, अभी जो पांच दिन पहले जो हो रहा था वो मसला बोल रहा था लाइव पे। अभी आप कहते हो मैं कमेंट के लिए बोल रहा हूँ, आपने मैंने यही तो बोला कि आप बोल रहे इस बार मैं किसी बांटे से नहीं मिला, दिल्ली घूमा तो मामा अपने दम से भी घूम सकता है भाई, जो भी है खत्म हो चुकी है ना, बात को बढ़ाओ मत, मतलब कौन घुमाएगा, मामा अकेले भी कह सकता है, मतलब किसको सुना रहे थे, मैं ये कह रहा था नाम तो लेते उसका, ये मतलब कितनी बार मैंने, अरे मैंने नाम भी ले लिया ना, तुम कह रहे मैंने ये बात ही नहीं बोली, कमेंट में दे रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ भाई, बेकार की वो, अरे पर उसे ही दे रहा था यार, तुम बार बार अलग ट्रैक पे जा रहे हो, गोल्डी भाई पांच दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अभी काफी लंबा मैटर है, सुमित भाई बताएगा, गोल्डी भाई आप बताओ, मैं पांच दिन पहले की बात कर रहा था कि इस बार मैं दूसरी जगह रुका था, मैं दूसरी जगह पे था, मैं दूसरों को बोल रहा था। मामा तूने ना ये बात बोल बोल के अपनी इज्जत खो दी, कसम से हम तेरी इज्जत करते थे, पर तूने कल तेरा फैसला करवा दिया था, फिर तू पनौड़ी को छेड़ रहा है भाई, पनौड़ी भाई, अरे पर कसम क्या क्या बोल रहा हूँ कि ये बात ही नहीं थी मेरे बाप, मैं बोल रहा हूँ कि ये बात ही नहीं थी, पनौड़ी भाई एक बात सच्चाई बोलना, ये कमेंट को देख के बोल रहे थे या मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे थे, सच्चाई बोलना। नहीं आपसे ही पूछ रहे थे सुमित भाई का, मुझे तो मैं झूठ बोलूंगा, मैं इसी बात पे तो छो खा रहा हूँ, पता हमने झूठा बना दिया, मैं कोई इनसे कोई मोहब्बत करी तो जिससे मामा बोला है ना, जो सच्चाई है वो बोलो, सच बोलने तो मुंह पे बोलो, नाम लेके बोलो, आपने लाइन पे बोला था कि मैं किसी को नहीं मिला, और इस बार मैंने अपने आप का खर्चा किया, अपने आपके पैसे से दारू की, मैं किसी को मिला नहीं, इसका मतलब ये हुआ मामा कि भाई आपको इन लोगों ने इनवाइट नहीं किया या जो भी था आपके दिमाग में, ठीक है, आपने बोला कितने लोग होते हैं, दोगला भी बोला था मामा आपने। मैं तो ये आप लोगों ने बात शुरू की उससे पहले भी बोला कि भाई मैं वहाँ पे था, गेस्ट था, इन लोगों ने मुझे चार दिन वहाँ होटल में रुकवाया, पब में गया, इन लोगों के साथ ही था, दारू पिया, मैं ये चार दिन की बात कर रहा था, अभी जो आया वो। कभी जिंदगी में 2 लाख की चैंपियन उड़ाई है, 2 लाख की। अरे पर मैं तो बोल तो रहा हूँ ना, मैंने तो बोला ना कि वो बात नहीं थी, ये चार दिन पहले की बात चल रही थी और ये लोग दूसरे ट्रैक पे कर रहे हैं, मैं चार दिन पहले की बात कर रहा था।
दो लाख की चैंपियन, मामा से पूछ, मामा से पूछ, मामा बताएगा। एक पुलिस वाला इधर, एक पुलिस वाला इधर मामा के। और मैंने कहा मामा, अपर मैं बोल तो रहा हूँ ना, सैंडी का सैंडी गुज्जर का बर्थडे था, हम सब गए थे वहाँ पे, हमने चैंपियन उड़ाई थी, वो सब अलग चीज थी। चैंपियन से भर दिए तो पूरा, पर मैं तुझे वही तो चीज बोल रहा हूँ कि ये चार दिन पहले की बात चल रही है, तू पुराने ट्रैक पे जा रहा है, चार दिन पहले की मैं बात कर रहा था। अगर आपका आपका लास्ट टाइम इतना अच्छा लड़का नहीं था तो इस बार आप क्यों आप किसी भांजे से नहीं मिले? एक ही विक्रांत बताओ, एक ही विक्रांत आया था। बैंजो मैं आ चुका हूँ दिल्ली। अरे मामा और भी काम होते हैं लोगों को, तेरा तो मेरे लगे तो कुछ काम है ना, तू दारू पी के आ जावे ताकत काम तो बकवास कर रहा है, फिर हमारे बारे में बुराई कर रहा है तू हमारी, ये ऐसे थोड़ी होवे। तेरा फैसला करवा रहे हैं हम, तेरी सब चीज करवा रहे हैं, फिर भी तू हमारे लिए बोल रहा है, हम तेरी इज्जत कर रहे हैं फिर भी तू हमारी इज्जत गिरा रहा है, ये काम थोड़ी होएगा। बोल तुझे जो भी बोलना जो करना है, कल मैं ऐसे ही बैठा हूँ, अब नहीं बोलना, जितना बोलना था मैंने सारा क्लियर कर दिया, अब जो बोलना तुम तीनों बोलो। नहीं नहीं हमारे मन में कुछ नहीं है, मगर मेरे को आज ही बहुत फर्क मन में लगा कि मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई ऐसी, किस कौन सा ऐसा बात, तू तू बता चल, इसने बोल दिया अब तू बता दे। पनोड़ी बताएगा मामा, हमने तो बोल दिया, हमने तो तेरे को कल भी समझाया था। पनोड़ी अब तू बता। बताना तो यही है ना मामा कि भाई आप जिसका भी बोलो उसका नाम लेके बोलो, क्योंकि यहाँ पे डबल सेंटेंस वाली बातें बहुत सारे लोगों के दिमाग में दिलों में घुस जाती है वो, इसीलिए मैं जब कुछ बोलता हूँ तो मैं नाम लेके बोलता हूँ। अपर मैंने बोला ना कि अगर कोई बोले तेरा नाम या टोंट, अगर किसी टोंट में भी तेरा आया ना कि पनोड़ी को सुना रहा हूँ, मुझे बोलना तब से शुरू करता। ठीक है मामा, अगर कल भी कोई टोन, कोई टोन होता है ना, वो टोन होता है कि मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ, ऐसा कोई टोन हो, ऐसा कोई टोन हो तेरे लिए, तेरे लिए कोई टोन हो ना तो भी मुझे भेजना। मैं बोलना चाहूंगा, मेरा तो चलो, मेरा तो कोई मतलब नहीं इस मैटर से, कि ना तो तुमने मुझे कोई दारू पिलाई, ना तो मैंने आपको पिलाई, वो सारी बात का तो हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, लेकिन इस बात गलत है कि भाई आपका लास्ट टाइम अच्छे से वेलकम किया, उन लोगों को एटलीस्ट आपको मिलना तो चाहिए था, दारू दारू खाने की बात तो साइड पे। अरे दूसरी बात चल रही थी, ये चार दिन पहले की बात चल रही थी, कसम से बोल रहा हूँ, पहले की तो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ कि इन लोगों के साथ रुका था, मैं पहले से बोल रहा हूँ। अरे यार छोड़ो यार, ये अभी चार दिन पहले की चल रही थी। दिमाग घूम गया पुनीत भाई आज है भाई, मैं कह रहा हूँ दिमाग घूम गया आज भाई, अपने में सही है भाई, समझ रहा। अरे पर मैं तो सामने से तो थोड़ी ना बोलूंगा, बोल रहा हूँ कि पहले रुका था दारू सब कुछ इनका, ये चार दिन पहले की अलग बात चल रही थी यार। मामा तूने आज तक किसी को रोका अपने पास? सच बताइयो, झूठ मत बोलियो कभी। गुजरात कोई आया भी नहीं है, कोई भी आओ गुजरात, मैं कहा ना बोल रहा हूँ आ जाओ, कोई आया है तेरे? ऐसा तो हो नहीं सकता, तू सबके पास गए, तेरे पास भी कोई आने के लिए बोला होगा, पर आज तक ना तो तेरा नंबर कोई। राजस्थान से और मुंबई से आए जितने आए, रमन को भी पूछ लेना, रमन आया था, मैं हाजिर नहीं था, 600 किलोमीटर दूर था, फिर भी सारी कर दिया था इंतजाम मैंने। अरे कोई इंतजाम नहीं करा था रमन, रात को 2 बजे 20 मिस कॉल, 20 फोन करा था रमन ने तेरे को, मामा झूठ मत बोल। नहीं नहीं मुझे जब पहली बार फोन आया मेरे पास, जब पहली बार फोन आया मेरे बंदे को भेजा, होटल का इंतजाम करवाया, दारू का इंतजाम करवाया, 2 बंदे भी भेजे मैंने रात अंधेरे में, कोई नहीं आस पास, फिर मामा को उसने फोन करा, मामा का नंबर। नहीं नहीं उस दिन मुझे नहीं किया था, उस दिन मुझे नहीं किया था मामा ने, उस दिन मुझे नहीं किया था, उस दिन मुझे नहीं किया था, उस दिन मुझे नहीं किया था, पूछ लेना, उस दिन मुझे नहीं किया था। जब कर लेते ना रमन भाई हो गए तो रमन भाई बोल देंगे, रमन भाई है नीचे? हाँ है रमन भाई, एड कर ले, पूछ ले पूछ ले, मेरी जगह लो रमन आएगा, रमन भाई को मैं लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। पहली बार जब आए थे ना तब मैंने कर दिया था, दूसरी बार मुझे नहीं इंतजाम, दूसरी जगह पे फोन किया था उसने ना। अभी रमन भाई को भी ले लेते हैं, रमन भाई झूठ ना बोलेगा, रमन भाई झूठ मत बोलना अभी यहाँ, अगर तुमने नहीं बोला तो मैं झूठा कहलाऊंगा। ये तो रमन INPS अंडरस्कोर रमन अंडरस्कोर वही है ना, सांगवान, रमन सांगवान होगा।
उनको ऐड कर लिया। हाँ आ गए रमन भाई। हेलो रमन भाई, वो मैटर बताओ एक बार, जो तुम हाईवे पे रुके थे फिर तुम्हें वो फोन नहीं उठाया गया। हाँ मैं एक सेकंड मैं मामा दो मिनट चुप रहे भाई, बताना एक्चुअली क्या हुआ था। जब मैं गलत हुआ रात के 2 बजे तुम्हारा होटल तक नहीं उठा, फोन तक नहीं उठाया था। मैं बॉम्बे से बाई रोड घर आ रहा था, तो घर आते भाई सुनना सब लोग, मैंने मामा को फोन किया, मामा ऐसे ऐसे मैं अहमदाबाद में रात को पहुंच रहा हूं, उधर कोई है क्या? तो मामा ने बोला उधर अपना एक भाई है, मैं उसको बोल देता हूँ, पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं ठीक है मामा जी। तो मामा ने उसको बोला भी, उसने भी बोला कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया, तुम आ जाओ। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो उस बंदे ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैंने 15-20 बार कॉल किया और मैंने मामा को भी इंस्टा पे मैसेज भी छोड़े, मामा को भी कॉल किया, फिर मामा मतलब वो मेरे से बात करने से पहले बात हुई थी। आप जब पहली बार आए, मैंने होटल नहीं रखवाई थी, दारू और मेरे बंदों को नहीं भेजा था मैंने पहली बार। नहीं पहली बार जब मैं आया था तो आपने बिल्कुल अरेंजमेंट किया था, उसमें 1% भी झूठ नहीं है, इसमें कोई सेकंड बार की बात। होटल भी बुक करवाई थी, मेरे बंदों को भेजा था, रेड लेबल दारू से लेके मैंने भिजवाया था कि नहीं भिजवाया था? नहीं होटल भी बुक था, रूम भी बुक था और संगू पटेल मैम भी सुबह मिलने। और दूसरी बार है ना, संगू पटेल उस टाइम पे नहीं थी, दूसरी बार आपने संगू पटेल को फोन किया था, पहली बार आप उसे जानते भी नहीं थे। नहीं पहली बार की बात है मामा, पहली बार में जब मैं सुबह निकल रहा था ना तो संगू पटेल मैम सुबह संगू दीदी पर वही ना, वो तो रात को मैंने होटल बुक करवा दिया, आप रुके, बाद में सुबह आप सब मिले। हाँ हम सुबह मिले, आपने बुक कराया इसमें मैं बाकी रात को होटल तो मैंने बुक करवाई थी ना, आप जहाँ रुके थे होटल किसने करवाई थी? बिल्कुल बिल्कुल मामा आपने करवाई थी, इसमें कोई दोराय नहीं, मैं कब मना भाई। तो वो भी बोलो कि मैं वहाँ आया था तो मामा ने करवाई थी भाई, वो बात की बात है। अरे बात की बात नहीं है, मैं भी ये बैठे हैं बोल रहा हूँ, पुनीत भाई ये जब पहली बार आया पूछ लेना, मैं हाजिर नहीं था, 600 किलोमीटर दूर था, फिर भी मैंने बोला कि वहां मैं इंतजाम करवा देता हूँ, होटल रखवा दी मैंने, बोतल भिजवा दी। इसने बोला मैं अकेला क्या पीऊंगा, मैंने लड़के भेजे कि भाई कंपनी दो, साथ में बैठो, वहां पे भिजवाया। सुबह ये लोग संगू पटेल को मिले, वहां से अलग हुए, पूरा अरेंजमेंट मेरे उस दिन कर दिया था। दूसरी बार वो जब निकले तब भी मैं बाहर था, मुंबई से गाड़ी से निकला था रमन भाई। पर उस दिन का मैं उस सिटी में थोड़ा रहता हूँ, मैं दूर था, फिर भी मैंने बोला कि चलो मैं करता हूँ। तो इसने मेरे से पहले दूसरे बंदे को फोन किया, उस बंदे ने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया। किंग हो, किंग किसे बोलते हैं कि हर एक सिटी में सारी चीजें अरेंजमेंट हो जाती है, किंग तो। अरे पर बात हो चुकी थी, इसकी बात हो चुकी थी, मुझे बोला कि उसने हाँ बोल दिया, सब कुछ हो गया, पूछ लो। नहीं मामा एक बताओ, रमन भाई झूठ मत बोल, रमन भाई रमन भाई सच बताना, आपने बोला था कि करण से बात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मैं वही बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पे मैंने मामा को ही फोन किया था कि मामा मैं ऐसे ऐसे बाई रोड जा रहा हूँ तो आप कहाँ हो? तो मामा ने बोला कि मैं तो सूरत में हूँ और बर्थडे था शायद। सूरत में नहीं था, सूरत में नहीं था तो मुंबई क्या, मैं जूनागढ़ था, अपने गाँव में था, जूनागढ़ था। हाँ आपने ये भी बोला था कि सुबह तक 12-1 बजे तक हम भी पहुंच जाएंगे, और आपके घर में शायद किसी का बर्थडे था उस दिन, मुझे ध्यान नहीं है किसका बर्थडे था। तो फिर आपने बोला था कि मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ, मैं ठीक है मामा आप करवा देना। तो फिर आपका फोन आया कि करण से बात हो चुकी है, करण ने बोला है कि सारा इंतजाम है। हाँ लेकिन आपने बोला वो रहता है, मैं उसको फोन कर देता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि बात हो चुकी है, तो मुझे तो क्या लगा कि बात हो चुकी है, सब कुछ हो गया। हाँ नहीं आपने भी बोला था कि बात हो गई है मेरी, आप जाओ उधर रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने बोला था कि मेरे करण से बात हो चुकी है। नहीं नहीं मामा आपने भी बोला था कि मैंने भी उसको बोल दिया है, आप उधर जाना और रुक जाना। फिर मैंने ये बोला था कि हाँ मामा उसका फोन आ गया है, वो कह रहा है आप आ जाना। तो जब मैं 11:30 या 12 बजे रात को पहुंचा तो मैंने उसको 15-20 फोन किए बंदे को, उसने नहीं उठाया। मैंने आपको भी फोन किया, आपने भी नहीं उठाया। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज छोड़ा कि मामा अगर कुछ इल्जाम है तो बता दो, नहीं तो मैं अपने तरीके से रुकता हूँ। फिर मैं अपना सरकारी गेस्ट हाउस में रुक गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कम से कम फोन उठा के आदमी ये तो बोलते कि भांजे नहीं हुआ, आप अपना अरेंजमेंट देखिए। हाँ पनौड़ी सुन लिया। और जबकि मैं आज गेस्ट हाउस में रुका भाई, जबकि मैं आज तक ये लाइव पे ये चीजें मैं बोलना नहीं चाहता। मामा आप दिल्ली आए थे तो दिल्ली आप लगभग 1-1.5 महीने रुके थे हमारे फ्लैट जनकपुरी में, मेरे फ्लैट। आप दारू खाना
ये मामा का ऐसा करता है कि जनकपुरी वाला फ्लैट उसका है, उसके खुद का है इस मामा का। पूछ लो मामा बता। पूछ ले, मैं ऋषि पहलवान का ही बोलता हूँ। चार बार बोला है कि एयरपोर्ट के पास है ना भाई ये जनकपुरी रुकता हूँ, ऋषि पहलवान का सबको पता है, मैं बोलता हूँ कि जनकपुरी रुकता हूँ, ऋषि पहलवान का है। बोलते हो कि जनकपुरी में मेरा खुद का फ्लैट है मामा, तुम बोलते हो नहीं जनकपुरी में रुकता हूँ, जनकपुरी फ्लैट में रुकता हूँ। सुनिए मामा उसे के जनकपुरी में मेरे खुद का फ्लैट है मामा, उधर सबको पता है वहाँ पे रुकता हूँ, ऋषि पहलवान का है। ठीक है आप किसी का बाप, ये बताओ आपको एक भी परसेंट उधर कोई तकलीफ हुई आपको रुकने में, खाने में, पीने में, दारू में, गुटके में? आप 15 दिन रुके, 1 महीना रुके, आपको चंडीगढ़ हाईवे तक भी फॉर्चुनर गाड़ी में छोड़ा गया कि भाई निचोड़ के आओ, इनको रास्ता मालूम नहीं है। 1.5 महीने 10 दिन मामा, ये तो आप खुद बता रहे थे कि कितने दिन रुके हुआ। अरे बस 10 दिन तो मैं समय रह के घर रुका था, 10 दिन वहाँ, 3-4 दिन गुड़गांव वाले फार्म पे, 25 दिन तो रुका था टोटल में। चलो मैं जिद नहीं लगा रहा, आप 10 दिन मान लो। 10 दिन में आपको कभी भी एक भी फोन आया? किसी का भी नहीं है आपको मामा इस चीज? 13 तारीख से लेके 24 तारीख तक, मतलब 11 दिन रुका था। अच्छा और दूसरी बात मामा, आप जब बॉम्बे आए थे तो आप अपने दिल से बता दो आप कहाँ रुके थे और किसने अरेंजमेंट किया था? अब मैं भी बताऊं, अब मुंबई आया था, मैंने आपको कितना ड्रग्स पिलाया था, कितनी लड़कियां सप्लाई की थी, ये भी बता दो होटल में। चलो आपने तो, अब चलो हम सब आपस में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो आप भी बता दो मुंबई में आपको मैंने कितना ड्रग्स दिया था। अरे मामा ये तो फ्रस्ट्रेशन है। मैंने भी भाई इसने जितना फ्लैट पे ख्याल रखा ना, उससे ज्यादा का ड्रग्स मैंने दिल्ली में मुंबई में पिला दिया, और लड़कियां भी सप्लाई की थी होटल में, याद है आपको? हाँ याद है मामा, बिल्कुल याद ये है। तो बोलो अब, ये भी बोलो, चलो अब मैं भी बोलूंगा, पूरा इंस्टाग्राम जानते मैंने भी, आपने है ना वहाँ पे मेरे को 10 या 12 हजार का दारू पिलाया ना, उससे ज्यादा तो मैंने आपको ड्रग्स पिला दिया है। और मामा हमारे लिए क्या कर रहा है, चल बता, चल चल रमन, आपके लिए कुछ नहीं किया पुनीत, आपका नहीं बोलूंगा, ये गलत बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तूने हमसे लड़कियों के बारे में, तेरा कर्ज है मेरे पे, तेरा कर्ज है मेरे पे, मैं बोल रहा हूँ तेरा कर्ज है मेरे पे। तो मैं चुप था, अब सुन मेरी बात, तेरे पानी की, तेरे पानी की एक एक बूंद से लेके दारू से एक एक बूंद तक तेरा कर्ज है मेरे पे। कर्ज पर छोड़, तुझे कुछ नहीं दिया मैंने, तुझे कुछ नहीं दिया पुनीत, तेरा कर्ज हर एक है। गलत कर रहा है मामा, ये लड़की वाली आदमी, शरीफ आदमी को खामा का बदनाम मत कर, कोई नहीं करने देना है, बहुत गलत बात है लड़की वाली बात। तो फिर गलत बात जो कर रहे हैं वो सही है, अब मैं कुछ जो सच है मैं बोलना चाहता हूँ वो गलत है। मामा आपने मेरा अरेंजमेंट किया अहमदाबाद में, मैंने बोला कि हाँ किया, दूसरी बार नहीं हुआ तो मैंने यही बोला नहीं हुआ, मैं रात को 12 बजे तक खड़ा रहा और मुझे बुरा लगा, क्योंकि आपने दूसरे बंदे से बात कर ली थी, आपने बोला था कि उससे बात हो चुकी है, हम वहाँ रुकने वाले, तो मैंने बोला बात हो चुकी है, अब क्या, अब मैं आराम से सो गया था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ। मामा पुनीत ने सच बोला कि तुम किसी गंदे नशे पे हो, तुम एक पुलिस वाले पे इल्जाम लगा रहे हो कि यू डूइंग अ ड्रग्स, यहाँ पे 4200 लोग। चल वही बात बोल रहा हूँ ना, चलो मैं सब जगह से गलत, हम सब की बात खत्म हो चुकी है, जो भी होगा मुझे पर्सनल में कॉल करना, बाकी हमारी सब बातें खत्म हो चुकी है। पनोड़ी तेरे से भी कुछ है नहीं, मैं अपनों वालों के बोल रहा था, तुझे नहीं बोल रहा था, जो भी है खत्म हो चुकी है। मामा थोड़ा बोल, सोच समझ के बोला कर कि क्या बोल रहा है। मैंने सोच समझ कर ही बोला है पुनीत, मैंने सोच समझ कर ही बोला है सब कुछ, जो भी बोला है ना सीक्रेट, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही बोला है। कम कर दे, जब तू फर्स्ट टाइम आया था तूने दबा के दो पैक मारे थे, तेरा सिर घूम गया था, याद कर तू बेहोश हो गया था। मैं तुझे कल फोन करूंगा बिना नशे के, तुझे सिंपल फोन करूंगा पुनीत। हाँ सिंपल फोन करियो और सिंपल बात करियो, ये बातें छोड़ दे, दूसरी इधर की उधर करनी मामा छोड़ दे, इज्जत बनी रहेगी, अब भी तेरी इज्जत करते हैं, इज्जत बनी रहेगी। पर वही तो बोल रहा हूँ ना, कब से बोल रहा हूँ कि बात खत्म हो चुकी है, हम पर्सनल में बात करेंगे, पनोड़ी का कुछ नहीं, बात का कुछ नहीं। रमन भाई के लिए ये गलत बात बोली है, देख तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, ये जो तू लड़की वाली बात बोल के जा रहा है ना गलत सोशल मीडिया पे गलत। हाँ चल रमन मैं गलत हूँ, रमन भांजे मैं गलत हूँ, चल ठीक है, कुछ के लिए आया था। तो ये बात तो आपने थोड़ी देर पहले मैं और सुनीत भाई थे उस टाइम पे भी बोला कि कोई नहीं तेरे को भी देख, कोई नहीं भी बुरा लगा, जिस हमने आपके लिए दिल्ली में इतना, कोई नहीं, मैं सब कुछ बात करूंगा पुनीत में, पनोड़ी हम सब कॉन्फ्रेंस में, आप भी आओगे, हम पर्सनल में बात करेंगे सब।
आप एक चीज बताओ, आप दिल्ली आने से पहले अपने फोन सब तो तुमने बोल लिया है रमन भाई के बारे में, जिस बंदे ने तुम्हें डस्टबिन रुकाया, दारू ठोक ठोक के पिलाई, उसी बंदे तो जो भी मेरे लिए किया मैंने भी बोला, जो भी मेरे लिए किया और मैंने भी किया वो बोला मैंने, जो किया वो मैंने भी बोला भाई। मामा अब की बार तुम दिल्ली आए, तुमने मुझे फोन किया, मैंने क्या बोला कि मामा मैं दिल्ली से 200-250 किलोमीटर दूर। नहीं नहीं, आपने भी जो गलत इल्जाम लगाए ना भांजे, नहीं मैंने, हमने भी बहुत कुछ किया है, हमें भी याद है, हमने भी आपके लिए, आपने 15-20 हजार का किया, उससे ज्यादा तो मैंने बहुत कुछ कर दिया, फिर भी आपने कुछ वो इज्जत नहीं रखी। कोई बात नहीं, चलो मैं आपके फ्लैट पे रुका, मैंने सब कुछ गलत किया, ठीक है, फ्लैट को छोड़ो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपने थोड़ी सी देर पहले ना मैंने गलत किया, मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ करवा दिया, वो भी गलत था, नहीं करवाया, वो भी आपने अपने तरीके से करवाया था। बात कहाँ से शुरू हुई थी, थोड़ी देर पहले मैं सुमित और शूटर बैठे थे, आपने बोला कि रमन मैंने अब की बार तुमको भी देख लिया, आपका मेरे पास अब की बार फोन आया कि रमन कहाँ पे हो, मैंने बोला कि मामा मैं 200-250 किलोमीटर दिल्ली से दूर हूँ, बताओ क्या है, बोला मेरा फोन नहीं उठा रहा है मोनू और वो क्या नाम गोपी, फोन नहीं उठा रहे हैं, फ्लैट पे जाना है, तो मैंने बोला रमन भाई, तो मामा मैं बात करता हूँ, सुनो आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, आपको शोभा नहीं देता, जो बात करनी थी हो गई, आप नीचे बैठो, पनौड़ी भाई शूटर को ऐड करो, शूटर 01 ओके पनौड़ी भाई, ओके मामा, पर्सनली बात करेंगे आपसे इस बारे में। अब मैं जाऊं मामा, एक मिनट और रुक जा, एक शूटर होगा, अब उससे क्या है ये मामा, सही बताना, झूठ की बात नहीं है मामा, मैं भी पक गया तुमसे, ये फ्लैट वाली बात तो मुझसे भी कही थी आपने, मेरा फ्लैट है वहाँ। अरे मेरा फ्लैट मतलब सबको पता, वहाँ रुकता हूँ मैं, थोड़ा दिल्ली का हूँ कि मेरा है मामा, कम से कम हमसे तो मैं बोलता हूँ, ऋषि पहलवान गोपी मलिक में हम सब रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, यही तो बोलता हूँ। और बात मेरी बात सुनो, जिस दिन तुम आए मेरी बात हुई एक दिन पहले, बकचोदी की है कि वो फ्लैट तुम्हारा है, तुम लड़कियों के सामने यही बकचोदी करते हो मामा, झूठ मत बोलो यार। वहाँ रुकता हूँ, ये बोलता हूँ कि मैं दिल्ली में जनकपुरी में रुकता हूँ। यार तुमने कही मेरा फ्लैट है, वहाँ जाना मेरे फ्लैट पे, मेरा फ्लैट है, वहीं पार्टी करेंगे। और मेरा फ्लैट मतलब वहाँ रुकता हूँ, झूठ नहीं बोलना मामा, ये हम भी तंग हो लिया, हमें पता चल रहा किसी और का ही फ्लैट है। अरे पर मैं थोड़ी ना वहां रुकता हूँ, तू तो मुझे पर्सनली मिला हुआ है, तुझे भी पता है मैं थोड़ा दिल्ली का हूँ, मेरा फ्लैट ना है। यार मामा हम सभी सुन रहे हैं, फ्लैट ही नहीं है तुम्हारा, वो कल को हम चले जाते तो हमारी बेइज्जती होती वहां जाके। अरे बेइज्जती वाली बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ मामा जो इज्जत है ऐसे ही कमा लो, इससे बहुत बड़ी चीज होती है, एक बार इज्जत खो देते तो। मेरी लाइफ में तुमने क्या बोला था? अरे यही बोला था कि मैं दिल्ली आता हूँ तो वहाँ रुकता हूँ जनकपुरी में। मामा मेरे को सुनने में ये भी आया जो सोनू प्रधान था जो तुम्हारा बर्थडे मनाया था, उनका भी फार्म हाउस तुम अपना बताते हो? खुद का नहीं बताता हूँ कि वहाँ रुकता हूँ, ये बोलता हूँ कि मैं वहाँ रुकता हूँ। मामा हकीकत में मान गया तुम्हें, अरे पूरी दुनिया को पता है मेरा थोड़ी ना है, जयवीर लाठी का है, सोनू प्रधान का भी नहीं, जयवीर लाठू का है। मामा एक बात बताओ, जब पहली बार आए थे हमारे पास, सबके पास आए थे, सबको पता है कि मैं जयवीर लाठी के वहाँ यहाँ रुकता हूँ या अपने ये जनकपुरी वाले फ्लैट पे रुकता हूँ। भाई तुम्हें भी याद होगी पुनीत भाई, एक बार तुमने याद है जब ये मामा यहाँ आए थे। चलो जो भी है, चलो मैं सब जगह से गलत हूँ, ठीक है, आप सब सही हो, मैं जा रहा हूँ। जाओ तो कोई दिक्कत ना, एक बात बताओ ना, पर आप सब सच हो, आप सब सच हो, मैं तो बोल रहा हूँ ना। पर हमारी जो मैटर थी मैंने क्लियर कर दी पुनीत, कोई हमारी मैटर नहीं है, मैं पर्सनल मैटर अलग थी, हमारी कोई मैटर नहीं है, हमारा ग्रुप था वो ही रहेगा, बाकी मैं अलग बात कर रहा हूँ। भाई पनौड़ी एक बार ना गुरप्रीत को ऐड कर, गुरप्रीत को ले लो, दो मिनट रुक जाओ, ले लो, मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे अभी गाली गलौज का मूड नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकता गाली गलौज, नहीं कर रहा अब तक गाली गलौज करी किसी ने? कोई अरे वो होगी, मुझे पता है ना उसमें होगी, मेरी गाली नहीं देगा, मैं बोलता हूँ गाली नहीं देगा गुरप्रीत भाई, गाली मत देना, जो बात है वो अपनी बात बोलना।
मामा भी एक बात बता, मैं झूठा हो सकता हूँ, पनौड़ी झूठा हो सकता है, इतने आदमी ऐड हो रहे हैं तेरे बारे में, बोल रहे सब झूठे हैं। भाइयों पहले तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। गुरप्रीत भाई, गुरप्रीत मेरी इज्जत करता है ना, गाली मत दे। गुरप्रीत शुरुआत मेरी तरफ, शुरुआत मेरी तरफ, तीन गालियों की छूट है, चौथी गाली मेरी तरफ से होगी। ओके तीन गाली, अच्छा भाई नहीं चलो सब कुछ ठीक है, सारी बात सुन ली। कोई अमीरी गरीबी में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती इंसान से होती है। बिल्कुल भाई ठीक है, मैं कभी, मेरे को विनीत ने 10 बारी बुलाया है ठीक है, शूटर भाई है सुमित मेरे पास आए, कोई किसी का खाने का भूखा नहीं होता। नफरत होती है झूठे इंसान से जो झूठ बोलता है, जो इग्नोर करता है। ठीक है, रही बात प्रूफ है, अभी चाहे कहते हो तो मैं सैंडी को ऑनलाइन, अभी सैंडी बैठी है नीचे, मामा हमारे पास आए, लड़कियों की डिमांड करता था, 5-स्टार होटलों की डिमांड करता, हमने इसकी कितनी सेवा करी हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है, हमारा खा पी कर चैंपियन शावर किया गया, इसका केक काटा गया, गिफ्ट दिए गए इसको, ऊपर से बोलता कि बंजा हमने पटाई कर दी, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 25 किलो का बंदा 1.25 क्विंटल के बंदे को मार सकता है, मतलब कि इससे झूठा इंसान। मैंने आज से 1 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, सैंडी इसके हाथ पकड़ कर भागी, ये अब बोल दे झूठ है। सैंडी 10 बारी पनौड़ी के सामने बोल चुकी है, इसने सैंडी का रेप करने की कोशिश की थी। पनौड़ी भाई हाँ मैं सुन रहा हूँ, सैंडी का रेप कर रहे हैं। सैंडी आपके सामने बोल के की थी, इसने रेप करने की कोशिश की थी। सैंडी ने ये बोला कि भाई ये बंदे ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, सैंडी ने गाड़ी का हैंडल खींचा, सैंडी वहां के बनी, हाँ वो ही उसने, सॉरी हैंड, वो हैंड ब्रेक खींची कार की। मेरे को चलो होर छोड़ो, मेरे को अपने बच्चों की कसम, मैं वैसे कसम खाता नहीं हूँ, इसने बोला मेरे लिए सैंडी, वहां से मेरे लिए सैंडी जाना था, वहां पे सैंडी 2 किलोमीटर फिर चल के गई, तो उसने बोला था कि भाई मामा के साथ आई एम, उसको मामा के साथ वो फ्रेंडली हो गई थी राइट, लेकिन मामा ने फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश की। ये सारी बातें सैंडी ने लाइव पे एक बार नहीं 10,000 बार बोली है, मामा ये सब झूठ है। और उस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, एक मिनट पुनीत भाई, तो सब लोग सैंडी बैठी है, सैंडी सैंडी नीचे यस नो लिख, यस नो लिख, सैंडी सैंडी नीचे बैठी है, तो सैंडी को ले लो भाई, सैंडी को लेना एक बारी भाई की जगह बैठा के, और मुझे मुझे हटा के ले, रोनी भाई लेना एक बारी जरा सैंडी को। हाँ लेता हूँ मैं। सैंडी का आईडी क्या है, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ। मिल गए रहने दो। हाँ उठ गई आ गई सैंडी, तेरे को माँ कसम है तेरे को अपनी, बता तुझे सब क्या हुआ था। मैं 10,000 बार जैसे पनौड़ी जी बता रहे हैं कि मैं बोल चुकी हूँ भाई, हम जैसे ये लोगों की आंखों में पर्दा किया जाता है, ठीक है कुछ नहीं है, ये है नल्ला, इसके जेब में है नहीं, एक रुपए है, ये चूतिया इंसान, फुद्दू बंदा सिरे का, ये अपने सिगरेट भी ये 60 रुपए वाली सिगरेट पीता है, हम तो फिर भी 250 वाली पीते रहे, 60 रुपए वाली सुपर स्टार पीता है ये, और ये कमरा कौन सा बुक करवाने के लिए बोल रहे हैं, JW मैरिट जाना, ये जाना, कभी तेरी खुद की औकात है, अपने पैसे कभी लेके बुक करके जा, तेरी औकात है खुद की, डिमांड कर रहा था तू, कहता सैंडी क्या बोल रहा था, मेरे लिए तो सैंडी है, बाकी बंदों के लिए क्या कर दो, एक मिनट पहले कहता सैंडी सब मेरे साथ रूम में जाएगी भाई, मिल लिया, क्लब चले गए, हंसी मजाक कर लिया, डांस कर लिया भाई, जबरदस्ती करने लगा तू मेरे साथ है, गाड़ी में बिठा के 5 लोंडे बैठे थे पहली, पता नहीं इतने लोंडे स्मेल कितनी आ रही थी इनसे, इनके पास तो परफ्यूम के भी वो नहीं है, परफ्यूम तक नहीं लगाते ये, बाप रे अच्छी, मैं तो गुरप्रीत की दारू भी इनके गाड़ी से उठा के भाग गई, इतने हराम है गुरप्रीत क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा कि जल्दी में वरना ले, नहीं तो कौन सी गाड़ी में आना था हमने, BMW ऑडी पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा था वो तो शुक्र है मैं वो हैंड ब्रेक खींच के निकल आई, अब भाग गया, अब जानबूझ के भाग गया, ये कोई फोन फून नहीं आया इसको, मिनिमाइज करके भाग गया है। नहीं सही है क्या, बाकी लड़कों के लिए क्या बोल रहा था, अरे लड़कियां अरेंज करो, कहते हम मेरे बंदों के लिए लड़कियां अरेंज करो, दारू यही पीनी है, ये करना है, वो करना है, औकात है खुद की इसकी, ब्लेंडर बलराज भाई को लेना,
रॉयल स्टैग पीने वाली जात, यहाँ शैंपेन उड़ाया कभी? इसको बोलो अपने जेब से, खुद के जेब से पैसे खर्च करके कभी शैंपेन उड़ाया है? अरे कुछ नहीं, इसकी सेवा की कमी रहेगी, दोबारा इनवाइट कर रहे हैं सैंडी इसको हम। हाँ कोई नहीं, मेरे को जरूर बुलाना, इसकी सेवा तो अब मैं करूंगी। ठीक है मैं तेरे को बोलूँ, चंडीगढ़ दिखना जाना बहन, सो पाओ किलो के 25 किलो के आदमी तेरे झुंडे पकड़ के ना एक ही हाथ से तेरे को घुमा के फेंकूंगी। और मेरे भाई, भाई जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमें आके बोलता 5 बंदों के लिए JW मेरिट बुक करवाना जरा गुरप्रीत भाई, बहन 50,000 रुपए का रूम बुक करवा दो। और क्लब में भाई इसके लिए 2 लीटर की बोतल रेड लेबल, घर में केक काटा, 15,000 का चश्मा गिफ्ट किया, 25,000 रुपए की हमने वहाँ बिल भरा, 55-60,000 रुपए लगे हमारे। 60,000 रुपए खर्च करने के बाद कहता है सैंडी मेरे साथ नाइट जाएगी, 4 लड़के के लिए लड़कियां मिला दो, JW बुक करवा दो। और कहता हम गलती से स्पीड में मुझे बिठा के गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था, मैंने हैंड ब्रेक खींचा, मैं पैदल पैदल निकल गई, मैं कहा दफा हो। वरना गाड़ी थी गुजरात नंबर की, 6 बंदे थे उसमें। तो सैंडी तू तो इतनी हट्टी कट्टी है, तू उसमें एक झापड़ मार देती है वैसे बेहोश। अरे यार तभी मैंने भी ड्रिंक किया हुआ था, मैंने हैंड ब्रेक खींचा, मैं निकल गई, मैं कोई नहीं अब इसकी मैं उड़ाऊंगी। मेरे को था कि अगले दिन रुकेगा ये, गुरप्रीत जी से मेरी बात हुई, पर ये था कि अगले दिन पता नहीं कहाँ भाग गया चोर की तरह। तो सैंडी वो जो इसके साथ 5 आदमी बैठे थे वो सब तुम्हारे नोन थे उनमें से एक आदमी या इसी के नोन थे? कोई हमारे नोन थे वो सारे उसी के थे, हमारे कोई नोन नहीं थे। हम अरे सुनो सही, कहता मैं सैंडी बलराज भाई किसी को लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। नहीं हम गए थे, राठी भाई हमारे साथ थे। अरे राठी भैया गए थे ना, रोहित राठी भैया, मैं उनको भाई मानती हूँ, वो राठी भैया के साथ थी मैं, राठी भैया थे, राठी भैया के फ्रेंड थे गुरप्रीत जी, ये मेरे नोन थे ना, इनके चक्कर में गई थी मैं। तो राठी भैया ने फिर कुछ नहीं बोला मामा को बाद में? राठी भैया नहीं, वहाँ एक्चुअली क्या था, कुछ आप समझ जाओ बात को, आपको पता है राठी जी का क्या काम है, वो पहले गाड़ी लेके ढाबे पे ही चले गए थे, वो तो ढाबे से ही चले गए, उनको इन्फॉर्म हो गया था कि पुलिस आ रही है। अरे तो बाद में उन्होंने तो कुछ नहीं करा, बाद में राठी को जेल में, बाद में भाई वो गुजरात गए थे, मामा ने फोन ही नहीं उठाया, गुजरात नहीं बाद में वो दिल्ली चला गया, राठी भाई फोन करने की कोशिश करते रहे, ये इसने ब्लॉक कर दिया, इसका जो है व्हाट्सएप का नंबर, इसका कॉलिंग नंबर भी नहीं है, जिसका व्हाट्सएप का नंबर है उससे उसने ब्लॉक कर दिया था। अरे ये किसी को नंबर ही नहीं देता है, इसीलिए नंबर नहीं देता है कि नंबर होगा। भाई इसको 15,000 रुपए के चश्मे गिफ्ट किए, 2 लीटर की रेड लेबल की दारू मेरे पास इम्पोर्टेड पड़ी थी वो दी, 1 लीटर की इसको। भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि सैंडी तू ये गुरुप्रीत विनीत पुनीत जितने भी लोगों ये अपने को पुलिस भाई सब लोग, मैं तो बोलता हूँ कि 10-15 लोग है ना एक ही दिन गुजरात चले जाओ। हाँ, चले जाएंगे ना, इसको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। जो डीके भाई किसी का, रमन भाई ने मुझे फोन किया कि डीके मामा फोन नहीं उठा रहा है, फोन बंद कर लिया। अरे आप सुनिए, गुजरात में गए थे राठी भाई साहब, राठी को आप शायद जानते हो, तो किसी से बात हुई वहाँ, जैसे आपका नाम है NCR में वैसे किसी भाई पे चले गए, उन्होंने बोला भी यहाँ डीके रहता है केबल ऑपरेटर मामा है, वो कहता हमारे यहाँ पानी के ग्लास उठा के पिलाता है। कौन डीके मामा? कह रहा उसके घोड़े के फार्म हाउस है, कह रहा टट्टू घोड़े के फार्म हाउस, साइकिल पे घूमता है, इसकी अपनी गाड़ी भी नहीं है भाई। अरे मामा का यही काम है, गाड़ी भी वो मांगी हुई थी जिस गाड़ी में वो आया था, वरना वो भी मांगी हुई गाड़ी थी किसी की, उसकी नहीं। भाई बताओ मेरे को बलराज जी, आप अकेले आओ तो समझ आता है, अभी एक गेस्ट आया, JW बुक करवाना है 7-8 हजार रुपए का, 5 हजार का, 10 हजार का, और बाकी के लिए मैंने बोला अभी ओयो करवाता हूँ, भी 4 बंदे हैं, भी 2-2 करके सो जाएंगे, 1,000-1,500 में रूम हो जाएंगे। अब आप बोलो कि 5 बंदे हम 5 रूम बुक करवाए जाएं JW में, और अलग अलग 5 रूम, और 4 लड़की अरेंज करी जाए, सैंडी मेरे साथ है और 4 लड़की और अरेंज करी जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो ये मामा मतलब कौन है, ये किसी का जवाई है, रिश्तेदार है, क्या है? नहीं हम दल हैं, इसके लिए लड़कियां बुक करवाएं। अरे नहीं इंस्टाग्राम नहीं, आप बुरा मानोगे आप बलराज भाई, ये NCR वालों ने बिगाड़ा है इसको। भाई हमने तो देखो एक बार, पहली बार में कोई इंसान किसी को जानता नहीं है, हमने इसको एक बार बुलाया, अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से इसकी खिलाया पिलाया, यहाँ पर कोई ऐसी अय्याशी तो नहीं करवा सकते थे हम, खिला पिला सकते थे, बस इसको बढ़िया पार्टी दी, खिलाया, शैंपेन उड़ाई, दारू वारू पिलाई, होटल में रुकवाया, उसके बाद हम इसको समझ गए कि ये फुकरा है, नल्ला है बिल्कुल, इस पे नहीं है कुछ भी, दोबारा हमने इसके फोन वोन नहीं उठाए कभी भी, ना हमने इसे मुंह लगाया। उसके बाद फिर इसने बाकी बच्चों को टारगेट किया, बाकी को बोला, कभी ये विक्रांत के पास, कभी अक्की के पास, कभी किसके पास,
हाँ बुलाया भाई, जैसे हम भी नए थे, हम भी नए थे, सैंडी का फोन आया, मामा आ रहा है, हमारे लिए भी था, पता नहीं कौन आ रहा है, हम उसको लेके मैं अपनी ओडी में लेके गोप्रीत इंसानियत बोलते भाई, पहली बार मिला है तो आदमी मेहमान नवाज तो करता ही है ना। हाँ हम अब देखो ना, अब सुमित भाई है, शूटर भाई है, इतना प्यार करते हैं भाई दिल से अपना, इधर वो गोल्डी हरसाना है, इतना प्यार करते हैं, हमारे पास आए, हम आए हैं, अभी इज्जत मान होती है। सैंडी के पास मैं महीने में 2 बार ही जाऊं 4 बार ही जाऊं, ये आए, इतना प्यार है, मतलब कोई फर्क ही नहीं है हमारे में पैसे का, कोई बात नहीं, किसी के भी लग जाए। अभी हमारी ये ऐसा गैदरिंग हुई थी ना, जब सुमित नारंग जी आए थे, इतनी बढ़िया गैदरिंग हुई थी, इतना मस्ती किया ना, इतनी बढ़िया गैदरिंग हुई थी ना, उसको कहते हैं हेल्दी पार्टी, उसको कहते हैं कि हेल्दी पार्टी, ये नहीं कि तुमको उंगली पकड़ो तो यार, एक लड़की आपसे डांस कर रही है, हक कर रही है, मतलब कि वो करप्ट होगी लड़की, हक क्या कर रही है, पहली बार मिलते हेलो के, अब सबको पता है ऐसे साइड वाली हक करते हैं भाई, हेलो चलो हेलो, अब इसका मतलब ये थोड़ी हो तो है भी इतना गिंडा बहन, मेरे तो कमर से भी नीचे आएगा, मेरे को तो ऐसा लगता है, 4 फुट का भी नहीं है। तो तुम्हें बोलना था भाई, जो भी करना है खड़ा होके कर ले तो, ये कैसे कर पाता। अरे कुछ ना, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो मैंने गोद में उठा लिया था इसको, यार मेरे पास मोहित मदान आया है, उसको भी हमने इतनी रिस्पेक्ट दी है, इतने इंस्टाग्राम के आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ तक चक्कर लगता ही रहता है, सब हाईकोर्ट हुईकोर्ट में आते हैं ना तुम्हारे दिल्ली वगैरह के, हम सबको इज्जत देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये थोड़ा कि जो 5 कमरे चाहिए डब्ल्यू में, मैं डीएम बीएमडब्ल्यू या वो कौन सी गाड़ी लेके आना भूल गया, मेरे घोड़े फोन खुद रखा है वीवो का, हम तो फिर भी नोरी भाई कह रहा है मेरे घोड़े भूखे होंगे, मेरे घोड़े का फार्म हाउस है। ये लड़कियों को ही झूठ बताता है सबको, मेरा यहाँ फ्लैट है, मेरा वहाँ फार्म हाउस है। अरे लड़कियों को ऐसे ही बोल बोल के जांचे में लेता है कि वहाँ पे अब क्लियर हुआ, वो पुलिस वाले भाई साहब ने बोला भाई वो तो मेरा फ्लैट है, मतलब कि उनके हाँ, वो जिसके फार्म हाउस पे जाता है वो किसी और बंदे का, अब सब लोगों को ये बोलता था कि भाई अपना है ना गुड़गांव में फार्म हाउस, वो अरे यकीन हाउस तेरे पास फार्म हाउस कहाँ से आ गया भाई। अरे यार मामा वो ऐड करो दोबारा, ऐसे मजा नहीं आएगा, बहुत सारी बातें करनी है मामा से। चलो मेरे को बिठा दो, मामा को ले लो, मैंने बोल दिया। अरे चलो ये बात तो क्लियर होगी भाई, ये बात तो क्लियर होगी ना कि रेप करने की पनोड़ी भाई, ये बात तो बात पूरी नहीं करेगा, कल फिर गाली खाएगा, फिर मामा बोलेगा मुझे गाली दे। नहीं मेरे को पनोड़ी भाई बोल दे तेरे को छूट, एक बात सुनो बलराज भाई, पनोड़ी भाई बोल दे तेरे को छूट है, जो मर्जी कर इंस्टाग्राम पे, देखो खेला कुछ नहीं। अरे ये नकली है, इसको क्या करना, सबको समझ में आ गया, इतने लोग देख रहे हैं, सबको समझ में आ गया कौन क्या है। उसने क्या बोला छूट था, ये गुरप्रीत आ रहा है गाली देगा, मगर नहीं 3 गाली की छूट है, चौथी गाली मैं दूंगा इसको। अरे कोई पागल थोड़ी ना, कोई बिना मतलब गाली देगा, सबको बात करनी नहीं आती क्या। नहीं भाई इसने हमारा बुद्धू बनाया भाई, इसको हम सारे जितने बंदे जिसने यूज किया ना, इसने टिश्यू पेपर की तरह हम सारे जाएंगे गुजरात इसके पास।